हेलो एवरीवन, मैं दीप संतोकी। मैं आज आपको चिंचा पानक के बारे में बताऊंगा, जो पंचवेद का संकल्पना है, यानी कि स्वर, खल, वात, हिम और फान। अब हम हिम की उपकल्पना देखेंगे। मांच, उदक और पानक हिम की उपकल्पना है। पानक कल्पना सामान्य तौर पर पानक कल्पना किसी भी खट्टे या बिना खट्टे द्रव्यों या फलों और ठंडे पानी के साथ उसे तैयार किया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फल नींबू, इमली, आम, अनानास, अंगूर आदि है। इन फलों को रस निकालने के लिए उबाला जाता है, आवश्यकता अनुसार डाइल्यूटेड किया जाता है और चीनी, मिर्च, नमक के साथ परोसा जाता है। प्रॉपर्टीज एंड यूज पानक कल्पना पित्त नाप शामक सदियों बलकर दाह और तूषणा निवारक में यूज होती है। डोसेज पानक कल्पना को चीनी या शहद के साथ दो फल डोज में दिया जाता है। अब हम चिंचा पानक कल्पना के बारे में देखेंगे, जिसके इंग्रेडिएंट्स चिंचा पानक 1 पार्ट जल, 4 पार्ट खांड शर्करा, 2 पार्ट सैंधव लवण, 1/10 पार्ट फ्राइड सिरप चूर्ण, 1/10 पार्ट फ्राइड मरीच चूर्ण, 1/20 पार्ट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पक्की इमली के बीज निकालकर 1 से 2 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है। बाद में उसे अच्छी तरह से मसल कर लिक्विड पार्ट को फिल्टरेट किया जाता है। फिल्टरेट करते समय बाकी बची हुई ड्रग को अच्छी तरह से मिलाया जाता है और उसे तुरंत यूज किया जाता है। डोसेज एडवांटेज एंड थेरापेटिक यूटिलिटी, सामान्य डोज 2 पल है, लेकिन आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। चिंचा पानक कल्पना अग्नि दीपक और आम पाचक है। चिंचा पानक अग्निमाध्य, अजीर्ण, अरुचि, अतमान और आटोप में यूजफुल होती है। थैंक यू।